आज मैं ये पालक की सब्जी बनाने जा रही हूँ नए तरीके से। इसके लिए मैंने ये पालक लिया है और इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। पालक में बहुत मिट्टी होती है, इसलिए इसको 4-5 पानी धो लिया है बढ़िया से और साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। तो ये सारे पालक को मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में और अब मैं इसमें नमक मिला दे रही हूँ ताकि पालक में जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ। बस नमक डाल के इनको हाथ से मिक्स कर दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने पालक की ग्रेवी में डालने के लिए ये सामग्री ली हुई है। इसमें एक टमाटर है, 2 हरी मिर्च है, इनको तोड़ दिया है मैंने, ये प्याज है, 1 प्याज है, ये अदरक का टुकड़ा और ये लहसुन की 4-5 कलियाँ। तो इन सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो मैं पेस्ट इसका बना लेती हूँ। ये देखिए पालक में पानी छोड़ दिया है, इतना पानी अलग कर ले रही हूँ कटोरी में। अब इसमें मैं कुछ सामग्री मिलाऊंगी। तो इसके लिए ये मैंने थोड़े प्याज लिए हैं, प्याज डाल देती हूँ और ये हरी मिर्च है। और इसमें मैं ये अदरक और लहसुन को कूट के उसका जो पेस्ट है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और थोड़े से मसाले डालूंगी, जिसमें ये थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, और ये नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो ये मैं पालक के जितना पालक है उसी हिसाब से मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। और डालने के बाद मैं सबको मिक्स कर ले रही हूँ। वैसे तो चम्मच से मिक्स करें, लेकिन हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये एक दूसरे में मिल जाएगा। तो मैं थोड़े और बेसन डाल लेती हूँ। दाल की छोटी गोलियां बना लेना है। जब बर्तन छोटा है तो मैं इसको 2 बार में बनाऊंगी। अभी मैं एक बार निकाल लेती हूँ, फिर एक बार और बनाऊंगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि एक आध और आ जाए। ये पानी देखिए गर्म हो चुका है। अब इस पानी में धीरे से इसको ऐसे करके रख देंगे। ये रख दिया है मैंने, अब इसको ढक्कन से ढक दूंगी। अब मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो कोफ्ते हैं ये पूरी तरह पक गए हैं। जब हुआ ये मैंने हाफ से उतार लिया था और ये ठंडे हो चुके हैं। और अब इनको मैं निकाल देती हूँ चाकू की सहायता से। ये मैंने चाकू लिया है, अब इसको इस तरह से ये आराम से निकल जा रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह से पक गए हैं। इसको निकाल के सबको इसी तरह रख लेती हूँ।
निकालने को मैं हाथ से भी निकाल लूँ लेकिन चाकू से ज़्यादा अच्छे से निकल जा रहा है। ये देखिए ऐसे निकालो छोटा सा टुकड़ा, और ये दो लौंग डाल रही हूँ चुका है तो ये मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं जिसमें जीरा मेथी और खड़ी सरसों है, ये सबको भी मैं तड़के में डाल लूँगी। और मैंने ये प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पीस के रखा था इसको मैं डाल ले रही हूँ। ये सबको डालने के बाद चलाते रहना है, आंच थोड़ा कम ही रखना है नहीं तो तुरंत जलने लगेगा। मैं इसको भी डाल दे रही हूँ, एक टमाटर मैंने बड़ा सा पीस के रखा हुआ था इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। जिसमें ये है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये सबको डाल के मैं मिक्स कर लूंगी बढ़िया से, मसाले अच्छी तरह भुन जाने चाहिए। जब मसाला अच्छी तरह भुनेगा तो मसाले में अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा, तो मसाले का अच्छी तरह से भूनना जरूरी है और मसालों को तेज आंच पे ना भूने। मैं मसालों को लो टू मीडियम पे भून रही हूँ, ज़्यादा तेज आंच पे भूनने पे क्या होता है कि फिर मसाले जल जाते हैं और अच्छी तरह से भून नहीं पाते हैं। मसाले अच्छी तरह भून गए हैं और ये देखिए मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जो पालक का पालक से निकला हुआ पानी था ये मैं इसको डाल के थोड़ा सा पका लूँगी, ये पानी भी ग्रेवी में काम आ जाएगा, ये भी थोड़ा सा पक जाए इन मसालों में, उसके बाद मैं बाकी जो पानी की कमी है उसको मैं पूरा कर देती हूँ डाल के। अच्छे से पक चुका है तो अब मैं जो ये बेसन का जिसमें मैंने पालक का बेटर था तो उसी में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, इसी को मैं इसमें डाल देती हूँ। इनको अच्छी तरह से मिला देना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और अब इन कोफ्तों को मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारे कोफ्ते निकाल लिए थे, बहुत बढ़िया से भाप में पक चुके हैं, अब इनको ये कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं,
चार पाँच मिनट पक चुके हैं और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको सर्व करने के लिए चलते हैं। ये देखिए कोफ्ते बनके तैयार हैं और मैंने इसको बाउल में सर्व कर लिया है। कोफ्ते बहुत अच्छे बने हैं, इतना अच्छा कलर आया है और इसकी थिकनेस देखिए। और इसको, इसकी जो ग्रेवी है ना, इसको आप थोड़ा गाढ़ा या पतला अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन पूरी, पराठे ये सब के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने हैं, भाप पे बने हैं, इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगा है, मैंने इनको फ्राई भी नहीं किया है जैसा आपने देखा होगा। और एक बार ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे कोफ्ते बने हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट कोफ्ते हैं, बहुत बढ़िया बना है। तो वीडियो अगर आप मेरा देख रहे हैं और मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।